हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स के इस फोर्थ पार्ट में हम बात करेंगे ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर एन क्रॉस एम ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज लाइक दिस। यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसके रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो एम क्रॉस एन की जो मैट्रिक्स है वो एन क्रॉस एम की बन जाएगी और उसे हम ट्रांसपोज ऑफ ए कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ए कोई मैट्रिक्स है जो 5 6 7 4 3 5 2 4 3 गिवन है, तब जो ए ट्रांसपोज आएगा वो आएगा 5 4 2 6 3 4 एंड 7 5 3। हमने क्या किया, इन रो कॉलम्स को रो में लिख दिया और अब ये एन क्रॉस एम की हो गई। ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, वरना अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती तो ऑर्डर इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे। ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल आएगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। द सेकंड विन इज द ट्रांसपोज ऑफ स्केलर मल्टीपल विद ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के ए डैश। सिमिलरली, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अगर ए और बी कंफर्टेबल विद एडिशन है तो, यानी ए और बी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो, कंफर्टेबल विद एडिशन। और ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज है वो बराबर आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये आप ध्यान रखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, और ए और बी का जो है मल्टीप्लीकेशन कंफर्टेबल होना चाहिए। यानी कि पहले बी ट्रांसपोज आएगा और फिर ए ट्रांसपोज आएगा। दीज आर द सम प्रॉपर्टी फॉर द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। थैंक यू।